फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कैप बनाना। ये आप मान के चलो कि बिल्कुल जीरो साइज का है। जैसे आपका बच्चा है नवंबर दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर जनवरी ये 2-3 महीने, मतलब आप मान के चलिए 0 से 3 मंथ के बच्चे का कैप है ये। क्योंकि ठंडी में बहुत ज़्यादा जो रेडीमेड मिलते हैं ना, बहुत कम ही ऐसे होता है जो परफेक्ट मिल जाता है। नहीं तो छोटे हाथ का अलग, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट ऊन से बना है एंड बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने फंदे डाल लिए और यहाँ पर फंदे डाले हैं 40 फंदे। तो ये दिखाते हैं, देखिए ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, ये 40 फंदे हो गए हमारे। और फंदा डालने के बाद ये देखिए उल्टे की तरफ आया है, इधर राइट साइड है और इधर रॉन्ग साइड, उल्टा एंड सीधा। तो इधर से ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए, पहले ना हम 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे सीधा, बाकी के सारे फंदे को हम सीधा सीधा बुन देंगे। ये पहले एक फंदे को हमने 2 फंदे को एक साथ बुना और बाकी के सारे फंदे को हम ऐसे सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 फंदे घटाए थे, मतलब 1 फंदे में 2 फंदे को एक साथ बुने थे। अब यहाँ आ गए लास्ट में ये, अब धागा आगे करेंगे, इसके बाद इस फंदे को हम बुन लेंगे। ये फिर से फंदे बराबर हो गए, इधर हमारा फंदा घटा एंड इधर हमारा फंदा बढ़ा, तो बराबर हो गया फिर से 40 फंदे। अब देखिए दूसरी सिलाई, देखिए पहले फंदे को तो हम स्लिप करेंगे धागा पीछे, अब ये भी फंदे को हम बुन लेंगे। ये अब यह है हमारी दूसरी सिलाई राइट साइड। इसे क्या करेंगे, हम पूरी सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। इस वे ना बढ़ेगा ना घटेगा, एक साइड हमको हर बार घटाना बढ़ाना रहेगा एंड दूसरी बार हमको ऐसे ही बुन लेना है। तो ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए 2 सिलाई कंप्लीट हो गई। इधर हमने बढ़ाया नहीं, घटाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, और एक साइड हम इधर से घटा रहे हैं, इधर से बढ़ा रहे हैं उल्टे की तरफ। तो देखिए फिर से, अब इस क्या करेंगे, फिर से हम 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। ये देखा, 2 फंदे को एक साथ, ये अब बाकी के फंदे को हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ हम ये जाली वाले फंदे भी बुन लेंगे एंड फिर से धागा आगे करेंगे एंड इस फंदे को बुन लेंगे। वही हुआ जैसे इधर हमारा घटा एक फंदा, इधर हमारा बढ़ा एक फंदा। इसी प्रकार से हम 8 सिलाई बुन लेंगे। जैसे ही हमने आपको बताया, इधर एक साइड सिर्फ एक तरफ आपको सिंपल बुनना है, कुछ नहीं करना है। तो हो गई गाइस, ये देखिए ये हमारे उल्टे की तरफ एंड ये हमारे सीधे की तरफ। तो कितने लाइनें बन गई, 4, 1, 2, 3, 4, 4 लाइनें, मतलब 8 सिलाई। 8 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई एंड देखिए इधर फंदे हमारे घटते जा रहे हैं, इधर फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे अपना दूसरा कलर। तो यहाँ हम व्हाइट लगा रहे हैं, सफ़ेद एंड लाल, रेड एंड वाइट में बना रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए कलर हमने यहाँ पर दूसरा अटैच किया। अब इसके बाद देखिए फिर से वही करेंगे, ये हमारा सीधे की तरफ है और ये हमारा उल्टे की तरफ है। तो जितना हम काम कर रहे हैं, मतलब बढ़ा घटा रहे हैं उल्टे की तरफ से, सीधे की तरफ हमें कुछ नहीं करना है, वैसे ही बुनना है जैसे है। तो जब हम ये कलर लगा के बुन लिए, और गाइस ये देखिए, अगर ये आपका जैसे यहाँ जाली पड़ता हो ज़्यादा, तो इसे ना आप पलट लीजिए, ये जाली वाले फंदे को आप ऐसे पलट लीजिए
इसके बाद बुन लीजिए ये ऐसे, तो जाली नहीं पड़ेगी। ये देखिए, क्योंकि यहाँ एक बनाया है हमने, यहाँ देखिए जाली पड़ी है। जब आप इस प्रकार से बनाओगे तो जाली भी नहीं पड़ेगी। तो कलर हमने लगा लिया, इसके बाद सारे फंदे को हम, इधर तो कुछ घटाना बढ़ाना है नहीं, इधर से हम सारे फंदे को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये हमारी राइट साइड है, तो पूरे फंदे को हमने सीधा बुन लिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे आगे फिर से रॉन्ग साइड। अब इधर हम क्या करेंगे, दो फंदे को एक साथ बुनना है, दो फंदे को एक साथ बुनना है। किनारे का फंदा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक फंदे आप ऐसे ही सीधा बोले, दो फंदे को एक साथ हो गया। अब धागा आगे कर लेंगे और सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब इधर क्या करेंगे, सफ़ेद वाले कलर से हम उल्टे की तरफ उल्टा बुनेंगे एंड सीधे की तरफ हम सीधा बुनेंगे, जो ये दूसरा कलर लगाए हैं। अब देखिए इधर सारे फंदे हमने उल्टा बुन लिया। अब इसे बढ़ाएंगे कैसे, एक फंदा आप ऐसे सिलाई में ले लीजिए, इसके बाद बुन लीजिए, हो गया। इधर से फंदा घट गया, इधर से फंदा बढ़ गया, हो गया। अब देखिए राइट साइड, अब सीधे की तरफ क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, पूरे फंदे को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए राइट साइड सीधे की तरफ से हम फिर से पूरे फंदे को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब ऐसे हम बनाएंगे छह सिलाई उल्टे की तरफ, यहाँ एक फंदा घटाएंगे, यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए गाइज, ये छह सिलाई जो है हमारी कंप्लीट हो गई। इधर से देखिए हमारे फंदे घट रहे हैं, इधर से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। अब फिर से हम अपना कलर दूसरा चेंज करेंगे। राइट साइड सीधे की तरफ से ही हम कलर को चेंज कर रहे हैं, और सीधे की तरफ हमको ना घटाना है ना बढ़ाना है। आप भी जब चाहो, जब बना रहे हो तो एक साइड आपकी इच्छा हो तो आप सीधे की तरफ घटाओ बढ़ाओ। तो अब क्या करना है आपको, पूरे फंदे को जब आप लगाओगे तो ये तो राइट साइड है, तो इस साइड आपको सीधा सीधा ही बुनना है, इधर आपको ना घटाना है ना बढ़ाना है, हो गया। अब फिर से आ गए हम रॉन्ग साइड उल्टे की तरफ। उल्टे की तरफ हमको हर बार करना है क्या, ये इधर से घटाना है आपको ये। अब बाकी के सारे फंदे सीधा बुनना है, क्योंकि रेड कलर से जो हम बना रहे हैं वो दोनों तरफ से सीधा बनेगा, एंड जो वाइट कलर से बना रहे हैं एक तरफ उल्टा बनेगा एंड एक तरफ सीधा। फिर से देखिए गाइस, राइट साइड हम आ गए। अब देखिए ये चार मतलब आठ सिलाई हम रेड कलर से बुनेंगे एंड छह सिलाई हम वाइट कलर से बुनेंगे। ऐसे ही करके आप अपने टोपी के लेंथ के हिसाब से हम बताते हैं कि आपको कितना बुनना है, कम से कम छह लाइन आप बना लीजिए। तो ये देखिए गाइस हो गई, ये हमने कहा था आपसे सिक्स लाइन, तो एक दो तीन चार पाँच छः। और यहाँ पर हमने व्हाइट इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है रेड से। तो देखिए इंची टेप से मैं आपके बताऊँ, उससे बेटर आपको ये पड़ेगा, छः सिलाई हमने व्हाइट की बनाई है एंड आठ सिलाई हमने रेड की बनाई। इस प्रकार से आप जब ये बना लो तो ये देखिए यहाँ से हम सारे फंदे को निकाल देंगे। कैसे निकालना है, दो फंदे को एक साथ, देखिए राइट साइड है लेकिन वैसे ही उल्टे की तरह, क्योंकि ये तो सिलाई में चला जाएगा इसके लिए। ये दो फंदे को एक साथ निकालेंगे, इसके बाद फिर से वे वाले फंदे सिलाई में लेंगे, दो को एक साथ, दो को एक साथ, इस प्रकार से ना सारे फंदे को हम सिलाई से नीचे कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए सारे फंदे हमने सिलाई से दिए निकाल, हो गया, ये हो गया। अब देखिए, अब ये हमारे बनकर कंप्लीट हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब हमको इसमें उठाने हैं फंदे, तो यहाँ से हम कट कर ले रहे हैं रेड कलर से। आप अपने हिसाब से चाहे इसमें रेड कलर से बना लीजिए, चाहे व्हाइट कलर से, बट आप इस कलर से बनाओगे ज़्यादा बेस्ट होगा, जिस कलर से आपने आठ सिलाइयाँ बनाई हैं उल्टी उल्टी। तो यहाँ से हम उठाएंगे फंदे, यहाँ से ऐसे ही लेंगे, फंदे उठाना हमने लगभग लगभग आपको कई वीडियो में दिखाया एंड बताया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए दो चार फंदे, इसके बाद आप उसी तरीके से उठा लीजिए। देखिए ये इसी प्रकार से बहुत इजी हो जाता है, बहुत आराम से निकल भी जाता है। तो ये देखिए आप एक बार ऐसे निकाल लिए,
ये किसी में से दोनों बार, किसी में से एक बार, इसी प्रकार से आप निकालते हुए जाओगे। ये हो गया देखिए। और निकालना आपको, उठाना फंदा किस तरफ है, जिस तरफ ने आपने फंदे को घटाया हुआ है, बढ़ाया आपने इस तरफ है तो इधर हमको वहाँ पम्पम लगानी है, सिलना है, और फंदे हमको उठाने हैं जिस साइड से आपको घटानी है। तो यहाँ से हमको यहाँ तक लगभग 75 to 80, मतलब चाहे आप 75 फंदे उठा लीजिए, 80 फंदे, 5 फंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कितना पॉसिबल हो जाता है, कितने फंदे हमारे उड़ जाते हैं। तो ये देखिए फंदे हमने सारे उठा लिए, तो यहाँ हमने उठाई है 80 फंदे, 80 फंदे। अब 80 फंदे में हमको बनाना है बॉर्डर। बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे, बॉर्डर आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जो आपका मन करे। कुछ अगर अलग तरीके से भी बॉर्डर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो यहाँ हमने बनानी है एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो पहले हमने बनाई उल्टा, फिर बनाई सीधा, फिर बनाई उल्टा, मतलब एक फंदे उल्टे, एक फंदे सीधे, एक फंदे उल्टे, एक फंदे सीधे। तो इस प्रकार से पहले आप पहली सिलाई को कंप्लीट कर लो। तो ये हो गई हमारी पहली सिलाई कंप्लीट, हो गया। अब देखिए इधर से, अब इधर से आपको क्या करना है, बॉर्डर आपने बनाया ही होगा, जानते ही हो, जो जैसे दिख रहा है, जैसे जो उधर से सीधा बनेगा इधर से उल्टा, एंड जो उधर से उल्टा बनेगा इधर से सीधा। तो ये देखिए सीधा है, इस पर सीधा, धागा आगे, उल्टा, धागा पीछे, सीधा, धागा आगे, उल्टा। तो इसी प्रकार से कम हम 10 सिलाई या 12 सिलाई, 15 सिलाई अगर आपको फोल्ड करनी है तो, और यहाँ हम लगभग कम से कम 10 सिलाई बनाएंगे। तो ये देखिए गाइस, 10 सिलाई बॉर्डर हमारी कंप्लीट हो गई पूरी। अब इसे हम उतारेंगे, उतारना हम आपको बता देते हैं, वैसे तो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, एक बार फिर से एक बार देख लीजिए। उल्टे की तरफ से अगर आपको सीधा मन करे तो सीधा, नहीं तो हम तो उल्टे की तरफ से हमको इजी लगता है। दो फंदे को एक साथ बनाइए, ढीला ही रखना है, बहुत ज़्यादा ना टाइट करना है ना बहुत ज़्यादा लूज। इसके बाद फिर से इस सिलाई में लेंगे दोनों को एक साथ, फिर से एक सिलाई में लेंगे दोनों को एक साथ, फिर से एक सिलाई में, इस प्रकार से सारे फंदे को उतार देंगे। तो हो गई गाइस, ये देखिए फंदे हमने उतार लिए। फंदे हमने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं निकाला हुआ है, थोड़ा सा लूज ही निकाला है, ताकि बच्चों को ना थोड़ा सा टाइट हो तो उलझे ना। हो गया, अब क्या करेंगे, अब इसे ऐसे ही सिलेंगे। ये ऐसे ही सिलेंगे यहाँ तक, ये हमारा जो तिरछा है यहाँ तक पहले सिलेंगे, फिर बताते हैं किसको कैसे पैक करना है। पहले हमको यहाँ से यहाँ तक पैक कर लेना है। हो गई गाइस, देखिए यहाँ तक हमने सिलाई कर ली ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हमें पैक कैसे करना है, इधर हमको पैक करना है। देखिए कैप बहुत ही अच्छे साइज़ में बनी है, और देखिए इधर भी है, पता ही नहीं चलेगा कि आपने सिलाई कहाँ की है। इसके बाद अब देखिए ये इस प्रकार से आप सिलाई करो ऐसे, ये पहले खींचो ना, पहले आप ऐसे ही सिल लीजिए, चाहे आप एक बार सिलो चाहे दो बार सिलो, एक प्रकार से ऐसे थोड़ी थोड़ी गैप में करके आप इस प्रकार से कर लो। इस पे सिलाई से थोड़ी गैप जो है ना वो मजबूत बनती है, ये ऐसे। ये यहाँ पहुँच गए, अब इसे टाइट करेंगे, अब इसे ऐसे ही खींच लेंगे। ये देखिए हो गया, अब इसे 2-3 बार 4 बार हम अच्छी तरीके से सिल देंगे। अब ये देखिए यहाँ हमने कर दिया पैक, अब यहाँ से सुई ले लेंगे राइट साइड, ये अब यहाँ एक पहले लाएंगे, या हो गया कैप हमारा सीधा। देखिए अभी से ही कैप कितना सुंदर लग रहा है ये। अब यहाँ हम लगाएंगे एक पम्पम, ये पम्पम हम बनाए हैं, और यहाँ पर हम इसे अटैच कर देंगे।
ये हो गई गाइस, ये देखिए कैप जो है वो हमारा बनकर हो गया है कंप्लीट। आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से कितना कम टाइम में कैप बनकर हो गया रेडी। अगर आपको ना फंदे बनाने हो, वैसे फंदे हम भी बनाएंगे क्योंकि बच्चों का क्या है ना कि बच्चे निकाल देते हैं, तो यहाँ दोनों तरफ हम बनाएंगे फंदे। आपको ये कैप कैसे लगा इसे ट्राई करिएगा एंड हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये कैप कैसे लगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।